हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस अर्थात दिशा एवं दूरी पढ़ने जा रहे हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने हैं। बैंकिंग में तो इस चैप्टर से पीटी और मेंस दोनों जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक्स को सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा क्लियर होगा आपका वो चैप्टर उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक्स को सीखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्शन। टाइप वाइज टाइप करके हम लोग जीरो से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोग यदि स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो पार्टिकुलर इस चैप्टर में आप कोई भी एग्जाम दें, इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये मैं 100% सियोरिटी के साथ बोल सकता हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से इन तक देखें। आइए बेसिक सीखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्शन, इस पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट उस पॉइंट को बोलेंगे जहां से कोई पर्सन मूव करना यानी चलना स्टार्ट किया। अब यदि कोई पर्सन यहां से ऊपर की ओर स्ट्रेट जाता है तो स्ट्रेट की ओर जो डायरेक्शन होगा उसे हम लोग नॉर्थ अर्थात हिंदी में उत्तर बोलेंगे, और नॉर्थ का अपोजिट उल्टा जो डायरेक्शन होगा उसे साउथ यानी दक्षिण बोलते हैं। तो इनिशियल पॉइंट से स्ट्रेट ऊपर की ओर नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। अब इधर आपका, इस साइड आपका राइट हैंड है और इस साइड आपका लेफ्ट हैंड है, तो इनिशियल पॉइंट के राइट हैंड साइड जो डायरेक्शन होगा उसे हम लोग ईस्ट अर्थात पूर्व बोलते हैं, और ईस्ट के अपोजिट साइड जो डायरेक्शन होगा उसे वेस्ट यानी पश्चिम बोला जाता है। तो दो सिंपल पॉइंट याद रखना है, इनिशियल पॉइंट से स्ट्रेट जाएंगे ऊपर की ओर तो नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, और इनिशियल पॉइंट के राइट हैंड साइड, इनिशियल पॉइंट से राइट हैंड साइड जो डायरेक्शन होगा वो ईस्ट और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। इस चार डायरेक्शन को हम लोग मेन डायरेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ और डायरेक्शन होते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि कोई पर्सन ना नॉर्थ में जा रहा है ना ईस्ट में जा रहा है, ये वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग इस डायरेक्शन का क्या नाम लेंगे? तो सिंपल, किसके किसके बीच में जा रहा है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो दोनों को एक साथ बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। नॉर्थ का मतलब उत्तर, ईस्ट का मतलब पूर्व, उत्तर पूर्व। अब यहां आप एक चीज ध्यान देंगे कि इसको हमेशा नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा, ईस्ट नॉर्थ कभी नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि बीच वाले डायरेक्शन, ये जो बीच वाला डायरेक्शन है इंटरमीडिएट डायरेक्शन, इसका स्टार्टिंग कभी भी ईस्ट और वेस्ट से नहीं किया जाता है। इंटरमीडिएट डायरेक्शन का स्टार्टिंग आप जब भी करेंगे तो नॉर्थ और साउथ से करेंगे। जैसे कोई पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स ना वो ईस्ट में जा रहा है ना वो साउथ में, दोनों के बीच में जा रहा है, तो
हम इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। तो अभी आपने सीखा कि इंटरमीडिएट डायरेक्शन का स्टार्टिंग ईस्ट और वेस्ट से नहीं करना है, दैट मीन्स ये बोलना गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हिंदी में साउथ का मतलब दक्षिण, ईस्ट का मतलब पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व। सिमिलरली कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग इसे वेस्ट साउथ ना बोलकर, वेस्ट साउथ नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, किसके किसके बीच में है, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम। और उसी प्रकार इस डायरेक्शन में अगर कोई जा रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, अर्थात बीच वाले डायरेक्शन लिखते समय आपको सिंपल देखना है किसके किसके बीच में, नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो दोनों को एक साथ लिख देना है, और स्टार्टिंग जब भी करना है तो नॉर्थ और साउथ से, इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट, और ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है तो क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। तो ये चार इंटरमीडिएट डायरेक्शन, इस प्रकार कुल कितने, आठ, चार मेन और चार इंटरमीडिएट यानी बीच का डायरेक्शन। दोस्तों इस चैप्टर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है राइट और लेफ्ट का, जो इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन में यूज होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट को राइट लेफ्ट टर्न लेने में प्रॉब्लम भी होती है। इसी को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन का हाफ पार्ट लिए हैं। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में बोल रहा है, अ पर्सन गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट देन ही टेक राइट टर्न्स, यानी एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जाने के बाद दाएं मुड़ता है। तो अब समस्या ये होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने कि वो ईस्ट तो समझते हैं बट ये नहीं समझ पाते कि ईस्ट के बाद राइट टर्न लेंगे तो किधर जाएंगे, लेफ्ट टर्न लेंगे तो किधर जाएंगे। इसी को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर एक ट्रिक भी देखेंगे। आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपको राइट टर्न लेने बोला, जब भी आपको राइट टर्न लेने बोला जाए तो राइट का मतलब आप समझेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की डायरेक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग दक्षिणावर्त या घड़ी की सुई की दिशा कहते हैं। और जब भी आपको किसी क्वेश्चन में लेफ्ट टर्न लेने बोले, लेफ्ट टर्न लेने बोले तो लेफ्ट का मतलब समझेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अपोजिट टू क्लॉक, यानी हिंदी में वामावर्त या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। सिंपल, राइट का मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि घड़ी में यहां पे क्या होता है, 12, ये 3, यहां 6, यहां 9। अब क्लॉक की सुई कैसे रोटेट करेगी, तो क्लॉक की सुई 12 के बाद 1, घड़ी में 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2, फिर क्या, 3, यानी क्लॉक की सुई 12 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही रोटेट करेगी, यानी इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। वही एंटी क्लॉक वाइज का मतलब अपोजिट टू क्लॉक, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो क्लॉक यदि 12 से 1, 2, 3 की ओर रोटेट करेगी तो इसका अपोजिट क्या होगा, 12 से के बाद 11, 10, 9, इस तरह से। तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज। सिंपल ध्यान रखना है, क्लॉक वाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा, और घड़ी कैसे रोटेट करेगी, तो 12 के बाद 1, 2, 3 की ओर, यानी ये डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉक वाइज। और अपोज एंटी क्लॉक, अपोजिट टू क्लॉक, यानी घड़ी अगर रोटेट करेगी 12 के बाद 1, 2, 3 की ओर तो
अपोजिट क्या हो जाएगा, 12 के बाद 11, 10, 9, ये डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके जो भी राइट डाउन करना है कॉपी पे राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक व्यक्ति ईस्ट ईस्ट यानी पूर्व डायरेक्शन में जाने के बाद दाएं टर्न लेता है, तो आप सभी जानते हैं कि इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा, और ईस्ट के बाद राइट टर्न लेना है, तो राइट का मतलब क्या, क्लॉकवाइज। और अभी आपने सीखा है कि क्लॉकवाइज कैसे, तो 12 के बाद 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे रोटेट करें, और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट, और राइट टर्न लेगा तो कहां पहुंच जाएगा, साउथ। यही इस क्वेश्चन में बोलता कि राइट के जगह पे अगर हम लेफ्ट कर दें, राइट के जगह पे अगर हम यहां लेफ्ट कर दें, यानी यहां हिंदी में दाएं के जगह पे बाएं कर दें, तो क्या होगा, तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर पर्सन ईस्ट में है और उसे लेफ्ट टर्न लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये क्लॉकवाइज, तो ये क्या, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि आपके माइंड में आ सकता है कि सर ईस्ट के बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज तो पूरा है, तो फिर नॉर्थ पे ही क्यों रुक गया। तो यहां एक छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको राइट या लेफ्ट टर्न लेने बोले, और कोई स्पेशल एंगल डिमांड ना करे, जैसे यहीं पे बोलता 35 डिग्री राइट टर्न लो या 45 डिग्री राइट टर्न लो, तो ये स्पेशल एंगल हो गया। और स्पेशल एंगल ना बोले, सीधा बोले राइट टर्न लो लेफ्ट टर्न लो, तो बाय डिफॉल्ट राइट और लेफ्ट का मतलब हम लोग समझते हैं 90 डिग्री। जैसे इस क्वेश्चन में बोला था ईस्ट में जाने के बाद राइट टर्न लो, तो राइट टर्न बोला और कोई एंगल नहीं बोला, तो राइट टर्न लेने, ईस्ट में जाने के बाद राइट टर्न लेने बोला और कोई स्पेशल एंगल नहीं बोला, तो राइट टर्न लेकर हम लोग कितना डिग्री मूव करेंगे, 90 डिग्री मूव करेंगे। आप जानते हैं कि ये पूरा यहां से, ये इनिशियल पॉइंट आपका यहां से चलकर फिर से पर्सन यहीं पहुंच जाएगा, तो ये पूरा कितना होगा, 360। ये दो पार्ट में है, यहां से यहां 180, यहां से यहां 180, यहां से यहां भी 180, और ये पूरा यहां से यहां कितना, 360। इसको अगर हम फोर पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये पूरा आपका 360 है, जिसमें ये यहां से यहां कितना 90, ये यहां से यहां कितना 90। अगर हम इसमें इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी इन कर दें, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये कितना है, तो ये आपका 45, ये आपका 45, यहां से यहां कितना 90 डिग्री, ये फिर 45, यानी हर पार्ट कितना का है, 45 का है, ये पूरा यहां से यहां कितना, तो 90 प्लस 45 135, ये पूरा यहां से यहां 90 प्लस 90, यहां से यहां 90, यहां से यहां 90, कितना 180, और इसी तरह ये पूरा यहां से वहां कितना, तो 360 डिग्री। तो यहां मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर बिना स्पेशल एंगल डिमांड किए हुए डायरेक्ट राइट या लेफ्ट टर्न लेने बोले, तो आप हमेशा 90 डिग्री टर्न लेंगे। जैसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ये आपका नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट,
ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट। सपोज किसी क्वेश्चन में बोला कि एक पर्सन नॉर्थ ईस्ट में है और उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, नॉर्थ ईस्ट में है और राइट टर्न लेता है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये आपका नॉर्थ, ये ईस्ट, और दोनों के बीच में ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। राइट टर्न, राइट का मतलब क्या, क्लॉकवाइज, और आपको पता है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। और कुछ नहीं बोला कितना डिग्री राइट टर्न लिया, तो जब कुछ नहीं बोला तो राइट का मतलब क्या, 90 डिग्री, और 90 डिग्री रोटेट करेगा तो ये 45 और ये 45, ये कहाँ चलाएगा, तो ये आपका अगर नॉर्थ ईस्ट है, ये अगर आपका नॉर्थ ईस्ट है तो ये रहा ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, यानी ये कहाँ चला आएगा, साउथ ईस्ट में चला आएगा। यही 45 डिग्री राइट टर्न बोलता तो हम लोग 90 नहीं मुड़ के 45 पे ही रुक जाते, और 45 पे रुक जाते तो पर्सन किस डायरेक्शन में पहुंचता, ईस्ट में पहुंचता। एक और समझिए, बोला एक पर्सन नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है और लेफ्ट टर्न लेता है, कुछ नहीं बोला कितना डिग्री, स्पेशल एंगल नहीं डिमांड किया है, तो हम लोग लेफ्ट का मतलब क्या समझेंगे, 90 डिग्री। हाँ यहीं पे बोल देता 35 डिग्री लेफ्ट तो 35 ही लेते, लेकिन जब कुछ नहीं बोला तो 90 डिग्री टर्न लेंगे। ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, ये ऊपर नॉर्थ, इधर वेस्ट, दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और मुड़ना किधर है, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब आप क्या समझे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये तो आपका क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ये नीचे, ये तो क्लॉक की डायरेक्शन है। सपोज यहाँ पे घड़ी में क्या बजता है, 10, तो 10 के बाद 11 12 की ओर, ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। विपरीत, तो 10 के पीछे फिर क्या बजेगा, 9 8 7 6, ये एंटी क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री मुड़ना है तो ये 45, ये 45, ये नॉर्थ वेस्ट तो ये क्या, साउथ वेस्ट। आप समझ रहे होंगे आगे। अब इसी के लिए हम लोग एक ट्रिक सीखते हैं, ट्रिक क्या है, अभी आपने देखा, ट्रिक सीखते हैं, लेफ्ट और राइट टर्न लेने का ट्रिक, कैसे राइट टर्न लेना है, कैसे लेफ्ट टर्न लेना है, उसके लिए हम लोग एक ट्रिक सीख रहे हैं। तो आपको ट्रिक में यह ध्यान रखना है कि क्लॉक में डायरेक्शन में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ, जबकि क्लॉक में इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 12। डायरेक्शन में ये आपका ईस्ट और क्लॉक में ये हो जाएगा 3। डायरेक्शन में ये साउथ, ये 6 क्लॉक में। डायरेक्शन में इसको वेस्ट बोलेंगे, ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, जबकि क्लॉक में इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे क्लॉक में क्या लिखा होता है, 9 लिखा होता है। तो आपको ये दोनों चीज ध्यान रखना होगा कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ है, क्लॉक के अकॉर्डिंग ये 12 है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये ईस्ट है, क्लॉक के अकॉर्डिंग ये 3 है। क्लॉक वाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा, तो आप ध्यान रखेंगे क्लॉक वाइज मतलब इधर, और इधर जब भी बढ़ेंगे तो हम घड़ी में आगे की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 12 के आगे 1, 12 के आगे घड़ी में क्लॉक में 1 के आगे 2, 2 के आगे 3, 3 के आगे 4, और यही आगे तो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। वही एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अपोजिट टू क्लॉक, और जब भी अपोजिट टू क्लॉक जाएंगे तो 12 के बाद 11, 11, 10, 9, 8, 7, 6, तो हम क्या देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो घड़ी के आगे 12 के आगे 1, 1 के आगे 2 बजेगा, 2 के आगे 3, 3 के आगे 4, ऐसे बजेगा। उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज मतलब 12 अपोजिट टू क्लॉक, और जब भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 12 के पीछे 11, 10, 9 ऐसे आ रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको राइट टर्न लेने बोले तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि राइट का मतलब हमें
घड़ी के आगे जाना है, आगे। और ये चार टर्म याद रखेंगे, 12, 3, 6, 9। 12 के आगे क्या? 3। 3 का मतलब ईस्ट। ईस्ट के आगे क्या? 3 के आगे 6। 6 का मतलब साउथ। 6 के आगे 9। 6 के आगे क्या होगा? 7, 8, 9। 9 का मतलब क्या? वेस्ट। 9 के पीछे, 9 के पीछे एंटी क्लॉक वाइज मतलब घड़ी के पीछे, तो 9 के पीछे क्या होगा भाई? तो 9 के पीछे ऑफ कोर्स 8, 7, 6 होगा। 6 का मतलब क्या? साउथ। 6 के आगे अगर हम बोले तो 6 के आगे घड़ी में क्या बजेगा? 6 के आगे 7 बजता है, फिर 8, फिर 9, यानी 6 के आगे 7, 8, 9, 9। और 6 के पीछे क्या? तो 6 के पीछे 5, 4, 3। 3 का मतलब ईस्ट, ये ध्यान रखेंगे। और जब भी आपको राइट टर्न लेने बोले तो आप घड़ी के आगे जाएंगे, और लेफ्ट टर्न लेने बोले तो घड़ी के पीछे जाएंगे। समझेंगे इसको? जैसे मैंने बोला कि एक पर्सन नॉर्थ में, नॉर्थ डायरेक्शन में कोई पर्सन है, और उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, अगेन लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है। इसको आपको डायग्राम से दिखाना है, तो आप कैसे दिखाएंगे? एकदम सिंपल। राइट का मतलब घड़ी के आगे, लेफ्ट का मतलब घड़ी के पीछे, और आगे पीछे में चार ही टर्म याद रखना है, 12, 12, 3 यानी 3, 6 यानी 6, और 9 यानी कि 9। 12 का मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्थ, 3 का मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ईस्ट, 6 मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साउथ, और 9 मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वेस्ट। अब पर्सन नॉर्थ में है, तो इनिशियल पॉइंट से स्ट्रेट जो डायरेक्शन होगा वही तो नॉर्थ होगा, यानी ये नॉर्थ है। अब इसको राइट टर्न लेना है, तो नॉर्थ का मतलब पर्सन कहां पे है? घड़ी के अकॉर्डिंग 12 पे, और राइट मतलब घड़ी के आगे। तो 12 के आगे घड़ी में क्या बजेगा? 1, 2, 3। 1, 2 को हमको कंसिडर नहीं करना है, हमें सिर्फ 3, 6, 9 से मतलब है। बट बोलने के लिए हम बोल सकते हैं कि 12 के आगे 1, 2, 3, 3 पे रुक जाना है। और अभी आपने सीखा कुछ नहीं बोला तो 90 डिग्री ही मूव करना है। तो 12 के आगे 1, 2, 3, और 3 का मतलब सुई किधर? ईस्ट की ओर। तो ये हो गया आपका राइट टर्न। आप क्लॉक वाइज भी मुड़ते तो नॉर्थ के बाद क्लॉक वाइज ईस्ट पे ही आते, फिर आपको राइट टर्न लेना है। तो राइट का मतलब घड़ी के आगे। अभी हम लोग कहां पे हैं? तो अभी हम लोग ईस्ट, ईस्ट का मतलब 3 की ओर है, और 3 के जब आगे जाएंगे तो घड़ी में क्या आएगा? 4, 5, 6। तो 6, 6 का मतलब किधर? साउथ की ओर। तो ये आपका क्या हो गया? सेकंड राइट हो गया। फिर आपको लेफ्ट टर्न लेना है। अब लेफ्ट का मतलब घड़ी के पीछे। बहुत ही सॉलिड ट्रिक है, एक बार अगर आपके ये माइंड में इन कर गया तो आप राइट लेफ्ट काफी फास्ट टर्न लेंगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है घर पे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, माइंड में सेट कर जाएगा, काफी फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। तो अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? साउथ की ओर। साउथ का मतलब 6 की ओर, और लेफ्ट मतलब पीछे। तो 6 के पीछे क्या? 5, 4, 3। 3 का मतलब क्या? ईस्ट, यानी लेफ्ट टर्न लेगा तो पर्सन ईस्ट में पहुंच जाएगा। फर्दर एक बार और लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट का मतलब पीछे। अब पर्सन की स्थिति क्या है? 3 की ओर, और 3 के पीछे। 3 के आगे तो क्लॉक में 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, बट हमें पीछे जाना है। तो 3 के पीछे क्या होगा? 2, 1 और 12, और 12 का मतलब किधर? नॉर्थ की ओर। तो ये आपका सेकंड लेफ्ट हो गया। अब इसी को आप दो चार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका हैंड एकदम फास्ट घूमेगा। नॉर्थ, नॉर्थ के बाद राइट, राइट का मतलब आगे, 3, 3 के आगे 6, फिर दो बार लेफ्ट, 6 के पीछे 3, और 3 के पीछे क्या? 12। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं बाद में, या वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अभी हम इसको इरेज कर देते हैं। एक और क्वेश्चन से इसको समझते हैं। सपोज एक पर्सन साउथ में है और उसे पहले राइट टर्न लेने बोला गया, पहले लेफ्ट टर्न लेने बोला गया, फर्दर राइट अगेन लेफ्ट लेफ्ट फिर राइट। मैं आराम से कर रहा हूं ऐसे, ये मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में होगा। आप समझ सकते हैं साउथ लेफ्ट लेफ्ट का मतलब पीछे, राइट राइट का मतलब आगे, लेफ्ट का मतलब पीछे और राइट का मतलब आगे। हो गया, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, फिर आपका ये दोनों लेफ्ट है और फिर ये आपका क्या है राइट। एकदम फास्ट आप कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है राइट मतलब राइट जब भी टर्न लेना है तो घड़ी के आगे, लेफ्ट मतलब घड़ी के पीछे। अब इसको हम थोड़ा आराम से समझते हैं। आप साउथ में थे और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लेफ्ट टर्न लेना था, लेफ्ट मतलब घड़ी के पीछे और साउथ मतलब 6 पे हैं तो 6 के पीछे क्या 5 4 3 3 मतलब इस डायरेक्शन। तो आप साउथ से लेफ्ट टर्न लेंगे तो 3 की ओर दैट मींस ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। फर्दर आपको राइट टर्न लेना है, अब आप ईस्ट, ईस्ट का मतलब 3 पे है और अगर आप राइट टर्न लेंगे तो आगे जाएंगे तो 3 के आगे क्या होगा 4 5 6 6 ये नीचे की ओर। यानी आप ईस्ट से साउथ से लेफ्ट टर्न लिए तो ईस्ट में गए और ईस्ट से राइट टर्न लेंगे तो किस डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे साउथ में। फिर आपको लगातार कंटिन्यूअस 2 लेफ्ट टर्न लेना है, और 2 लेफ्ट टर्न लेंगे फर्स्ट लेफ्ट टर्न लेंगे तो लेफ्ट मतलब पीछे, अभी आप 6 पे हैं लेफ्ट टर्न लेंगे तो 6 5 4 3 फर्स्ट लेफ्ट, और एक बार और लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट का मतलब पीछे, अभी आप हैं कहां तो करेंट प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट का मतलब 3 में है। अब आगे जाना होता तो 3 के आगे 4 5 6 बट हमें तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है क्योंकि लेफ्ट टर्न लेना है और लेफ्ट का मतलब पीछे, तो पीछे 3 के पीछे क्या 2 1 12 12 का मतलब ऊपर की ओर चले जाएंगे नॉर्थ की तरफ। तो ये आपका लेफ्ट टर्न हो गया और फर्दर आपको राइट टर्न लेना है तो राइट टर्न लेंगे तो आगे जाएंगे, अभी हम हैं कहाँ तो 12 की ओर है यानी नॉर्थ में है, आगे जाएंगे तो 12 के आगे 1 2 3 ये आपका राइट टर्न। अभी आप लोगों ने इस चैप्टर से बेसिक्स को देखा, अब हम लोग टाइप वाइज टाइप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, वो भी 0 लेवल से हाई लेवल तक, ताकि आप कोई भी एग्जाम दें आपको आपके किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। टाइप के बीच में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे और कुछ ट्रिक भी आएंगे ताकि आप क्वेश्चन को काफी फास्ट सॉल्व कर सकें। अगर आपको आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप इसके इस चैप्टर के क्वेश्चन को काफी फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहला टाइप लिए हैं ओनली डायरेक्शन। ओनली डायरेक्शन को हमने 2 केस में डिवाइड किया है, केस 1 बिना किसी के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालना और केस 2 किसी के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालना। पहले हम लोग केस 1 के क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे और अब आगे केस 2 पढ़ेंगे, वहां पे हम दोनों में यानी केस 1 और केस 2 में क्या डिफरेंस है, क्यों इसको 2 केस में बांटना पड़ गया, ये वहां पे हम लोग केस 2 पढ़ते समय दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। तो केस 1 है बिना किसी के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालना। क्या होता है किसी के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालना, क्या होता है बिना किसी के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालना, सब सीखेंगे, एकदम 0 लेवल से चलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, जब हम लोग केस 2 पढ़ेंगे वहां पे इस दोनों
में डिफरेंस को सीखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने फिर से एक ट्रिक लिया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ट्रिक है ये ट्रिक सिर्फ केस वन के क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, केस टू के क्वेश्चन पे, केस टू के क्वेश्चन पे कभी भी इस ट्रिक को अप्लाई नहीं करना है। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट आपका आंसर आ जाए बट वो सही वे नहीं होगा। तो ट्रिक क्या है, ये R फॉर राइट, L फॉर लेफ्ट, फोर राइट या फोर लेफ्ट, फोर राइट और फोर लेफ्ट, हिंदी में और यानी ये या, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, और, हिंदी में या इंग्लिश में और। बहुत सारे स्टूडेंट को यहां भी कंफ्यूजन होता है, इस साइन का मतलब नहीं समझ पाते हैं और वो समझ बैठते हैं दोनों। इस साइन का मतलब दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक, या तो फोर राइट हो या फोर लेफ्ट हो, या एक राइट एक लेफ्ट हो। अब एक राइट एक लेफ्ट में पहले राइट है या पहले लेफ्ट है ये मायने नहीं रखता है, कोई भी हो, एक राइट एक लेफ्ट, राइट लेफ्ट का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर ये है तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन होता है। इसको समझाने के लिए पहले हम ये ऊपर वाला पॉइंट हटा देते हैं। आप फिर से, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस ट्रिक को सिर्फ केस वन पे लगाना है, केस टू पे कभी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगता है केस टू पे, इसका भी हम लोग रीजन देखेंगे जब हम लोग केस टू को स्टडी करेंगे उस टाइम। तो फोर राइट फोर लेफ्ट, सपोज आप नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हैं, आप नॉर्थ में खड़े हैं और यहां से आपको फोर राइट टर्न लेने बोला जाए या फोर लेफ्ट टर्न लेने बोला जाए या एक राइट एक लेफ्ट टर्न लेने बोला जाए, तो आप ऐसे टर्न नहीं लेंगे। अभी आपने सीखा है कि राइट का मतलब आगे, तो 12 के आगे 3, ये आपका फर्स्ट राइट हो गया। फिर सेकंड राइट में आप इधर आ जाएंगे, 3 के आगे 6, फिर थर्ड राइट में 6 के आगे 9 और फोर्थ राइट में 9 के आगे क्या हो जाएगा 12, यानी नॉर्थ में फिर से पहुंच गए। आप देखिए पहले आप किस डायरेक्शन में थे, नॉर्थ में, आप नॉर्थ में थे और आपको फोर राइट टर्न लेने बोला गया, तो आप फोर राइट टर्न, ये फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर राइट, तो आप फिर से किस डायरेक्शन में पहुंच गए, नॉर्थ में। यही अगर कोई पर्सन ईस्ट में होता, कहां होता, ईस्ट में, और उसे बोला जाता कि आप फोर टाइम्स लेफ्ट टर्न लो, तो अगर वो फोर टाइम्स लेफ्ट टर्न लेता तो फर्स्ट लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब पीछे, अभी आपने सीखा, राइट का मतलब आगे, राइट बोलता तो 3 के आगे 6 साउथ में आ जाता, और लेफ्ट बोला है तो 3 के पीछे 2 1 12 12 यानी नॉर्थ में चला जाएगा। यहाँ लेफ्ट हम सीख रहे हैं फोर लेफ्ट, ईस्ट में है फोर लेफ्ट टर्न लेना है, तो फर्स्ट लेफ्ट नॉर्थ, सेकेंड लेफ्ट वेस्ट, थर्ड लेफ्ट साउथ और फोर्थ लेफ्ट, जैसे ही टर्न देगा फिर से वो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में। आप देख रहे हैं पहले भी ईस्ट में था और फोर टाइम्स लेफ्ट टर्न लिया तो फिर कहां पहुंच गया, ईस्ट में। यही फोर राइट टर्न भी लेता, फोर टाइम्स राइट टर्न भी लेता, देखिए फर्स्ट राइट सेकंड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट और ये रहा आपका फोर्थ राइट, तो फिर से कहां पहुंच गया, लेफ्ट में, दोनों नहीं राइट लेफ्ट, कोई एक, या तो फोर्थ टाइम्स राइट टर्न ले या फोर्थ टाइम्स लेफ्ट टर्न ले, कोई टर्न लेगा तो वो पहले जिस डायरेक्शन में होता है फिर से उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, या एक राइट एक लेफ्ट टर्न ले, इसे भी समझिए। सपोज व्यक्ति साउथ में है
उसने पहले लेफ्ट टर्न लिया, क्योंकि अभी हमने बोला कि कौन पहले है कौन बाद में, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पहले राइट टर्न लिख दिया तो आप पहले राइट ही समझे कि हमेशा पहले राइट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक राइट और एक लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो पहले अगर हम लेफ्ट, एक लेफ्ट और एक राइट टर्न लेना, तो आप देखें पहले पर्सन किधर है, साउथ फेसिंग है, पर्सन किधर है, साउथ फेसिंग। अगर वो पहले एक लेफ्ट टर्न लेगा तो लेफ्ट का मतलब पीछे जाएगा, और छह के पीछे क्या, तीन, ये उसका फर्स्ट लेफ्ट। और फिर राइट टर्न लेगा तो राइट का मतलब आगे, तीन के आगे क्या, थ्री के आगे फोर फाइव सिक्स। जैसे ही राइट टर्न लेगा फिर से कहां पहुंच जाएगा, साउथ में। तो आप ध्यान रखेंगे कि व्यक्ति, कोई भी पर्सन, फोर राइट या फोर लेफ्ट या एक राइट एक लेफ्ट टर्न लेगा तो पहले जिस डायरेक्शन में होगा फिर से उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। अगर आपको ये याद है तो सपोज एक क्वेश्चन आया, इसके फायदे क्या है, समझते हैं। आगे हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बट अभी एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि इससे बेनिफिट्स क्या होंगे। जैसे एक क्वेश्चन बोला कि राम अपने घर से 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के बाद, मैं शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख रहा हूं, राम अपने घर से 4 मीटर नॉर्थ जाने के बाद राइट टर्न लेता है और 5 मीटर की दूरी तय करता है। अगेन राइट टर्न लेता है और 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। फर्दर राइट टर्न लेता है और 6 मीटर की दूरी तय करता है। और लास्ट में एक बार फिर राइट टर्न लेता है और 5 मीटर की दूरी तय करता है। तो अब वो किस डायरेक्शन को फेस करेगा, यानी अब उसका चेहरा किस डायरेक्शन में होगा, ये क्वेश्चन है। फिर से रिपीट करते हैं, राम 4 मीटर नॉर्थ जाने के बाद राइट, आर फॉर राइट, राइट टर्न लेकर 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अगेन राइट टर्न लेता है और 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अगेन राइट टर्न लेता है और 6 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। और फर्दर लास्ट में एक बार फिर राइट टर्न लेता है और 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो अब वो किस डायरेक्शन में फेस किए होगा। अगर कॉन्सेप्ट से जाए तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे, ये राम 4 मीटर नॉर्थ में गया, 5 मीटर गया तो राइट टर्न लेगा तो इधर जाएगा, आप जानते हैं 12 से आगे 3, फिर राइट टर्न लिया और 3 मीटर गया तो ये आपका 4 है, तो 3 इससे नीचे ही पीछे ही हो जाएगा। फर्दर राइट टर्न लिया और 6 मीटर गया, ये 3 ये 6, और लास्ट में एक बार और टर्न लिया और 5 मीटर गया। आप देख रहे हैं अब उसका चेहरा किस दिशा में है, तो वो फिर से उसका फेस किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यही नॉर्थ आपका आंसर हो गया। बट इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें हाफ से 1 मिनट का समय लग जाता है, और इसी को हम अगर ट्रिकली सॉल्व करें तो आप जानते हैं कि राम स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ में। स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ में। उसके बाद वो कितना टर्न लिया, एक राइट, दो राइट, थ्री राइट और फोर राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर राइट, नॉर्थ में था और 4 टाइम्स राइट टर्न लिया है। तो 4 राइट का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन, यानी नॉर्थ में है तो फिर से वो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में ही पहुंच जाएगा।
तो ये फायदा हुआ, जिस क्वेश्चन को आप को बनाने में आधे से एक मिनट का समय लग गया, उस क्वेश्चन को आप अगर ये ट्रिक आपके पास है तो आप 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी बहुत सारे ट्रिक है, इसको समझते हैं। यहां पे एक बात और ध्यान देना है, ये 4 right 4 left 1 right 1 left का तो मतलब सेम डायरेक्शन होता ही है, इसका मल्टीपल, इसका जो मल्टीपल होगा, इसका जो मल्टीपल होगा उसका मतलब भी सेम डायरेक्शन होगा। दैट मींस अगर आप 4 right में सेम डायरेक्शन पहुंच रहे हैं तो 4 right का मल्टीपल 8 right 12 right 16 right, यानी जो 4 का मल्टीपल होगा उसमें भी आप कहां पहुंचेंगे, सेम डायरेक्शन। समझिए, ये नॉर्थ में है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, नॉर्थ में पहुंच गए। फिर फिफ्थ राइट, सिक्स, सेवन, एट, एट में फिर से नॉर्थ में, नाइन, टेन, अलेवन, ट्वेल्व, ट्वेल्व में फिर से नॉर्थ में है। यानी इसका जो भी मल्टीपल होगा उसमें भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन, इसका भी मल्टीपल। 1 right 1 left का मल्टीपल क्या, 2 right 2 left, 3 right 3 left, 5 right 5 left, सब में क्या होगा, सेम डायरेक्शन। समझिए, ये नॉर्थ में है, या इस बार हम लोग वेस्ट में ले लेते हैं। वेस्ट में है, 1 right 1 left लिया, तो 1 right 1 right लेगा तो नॉर्थ में जाएगा, और फिर 1 left लेगा तो लेफ्ट, 12 पे है, लेफ्ट का मतलब पीछे, तो लेफ्ट पीछे, 11 10 9, वेस्ट में ही आ गया। एक और राइट लेफ्ट लेगा, 2 right 2 left, अब 2 right 2 left कंटिन्यूअस 2 right ले ले या 2 left ले ले, या फिर एक एक करके पहले 1 right 1 left, फिर 1 right 1 left, इस तरीके से चले, हर स्थिति में क्या होगा, सेम डायरेक्शन। ऐसे देखिए, पहले हम डायरेक्ट 2 बार 2 right नॉर्थ में है, नॉर्थ में है, और 2 right ले लिया, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, सॉरी सेकंड राइट, और फिर 2 left, तो ये आपका फर्स्ट लेफ्ट, ये आपका सेकंड लेफ्ट, तो 1 right 1 left का मल्टीपल 2 right 2 left, 2 right 2 left कंटिन्यूअस 2 right हो फिर 2 left हो, या 1 right 1 left फिर 1 right 1 left हो, किसी भी तरीके से हो, अगर सेम है 2 right 2 left है तो उसका मतलब क्या होगा, सेम डायरेक्शन। तो मेन पॉइंट ये है कि 4 right 4 left 1 right 1 left सिर्फ इसी का मल्टीपल भी होगा, इन सबके मल्टीपल में नहीं होगा, मल्टीपल सिर्फ इसका, तो उसका मतलब क्या होगा, सेम डायरेक्शन। 2 right या 2 left का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप नॉर्थ में हैं, अगर आप नॉर्थ में हैं और 2 times right turn लेते हैं, 2 times right turn लेते हैं, तो आप कहां पहुंच जाएंगे, ईस्ट में पहुंच, सॉरी आप नॉर्थ में हैं और 2 times right turn लेते हैं तो आप राइट, नॉर्थ का अपोजिट क्या, साउथ में पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे, सपोज एक पर्सन ईस्ट में है, क्या है, ईस्ट में, और इसे 2 right लेना है, 2 right, तो 2 right का मतलब क्या होगा, फर्स्ट राइट में ये जाएगा साउथ में, और सेकंड राइट में चला जाएगा या वेस्ट में। आप देख रहे हैं, पहले पर्सन ईस्ट में था और जैसे ही 2 right turn लिया तो 2 right में ईस्ट का अपोजिट कहां, वेस्ट में पहुंच गया। तो 2 right या 2 left का मतलब अपोजिट, अब इसका मल्टीपल नहीं, क्योंकि 2 right का मल्टीपल 4 right, और 4 right में अपोजिट नहीं, क्या होता है, सेम डायरेक्शन। तो मल्टीपल सिर्फ इसका लेना है, इसका मल्टीपल कभी नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। तो कुछ पॉइंट भी ध्यान रखना होगा आपको हमेशा। फर्स्ट पॉइंट हमने ये बताया था कि ये ट्रिक सिर्फ केस 1 पे अप्लाई होगा,
और सेकंड अभी आपने सीखा कि दो राइट या दो लेफ्ट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, बट इसका मल्टीपल नहीं लेना है, ऊपर वाले का मल्टीपल लेना है इसका नहीं। अगर आपको थ्री राइट लेने, जैसे एक क्वेश्चन से समझते हैं, मोहन मोहन अपने घर से 5 मीटर साउथ में जाने के बाद, 5 मीटर साउथ में जाने के बाद राइट टर्न लेता है और 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। फर्दर राइट टर्न लेता है और 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और फाइनली एक बार पुनः राइट टर्न लेता है और 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो अब वह किस दिशा में है। फिर से इसको समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शॉर्ट में है, आप समझेंगे कि मोहन 5 मीटर साउथ में जाने के बाद राइट टर्न लिया और कितना गया 4 मीटर, फर्दर राइट टर्न लिया और 6 मीटर, अगेन राइट टर्न लिया और 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो अब वह किस दिशा में फेस किए, यानी अब उसका चेहरा किस दिशा में। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो साउथ ये आपका रहा मोहन इनिशियल पॉइंट, यहां से मोहन 5 मीटर साउथ में गया, उसके बाद राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया तो 6 के आगे 9, इधर ये कितना 4 मीटर, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, फिर राइट टर्न लिया और 6 मीटर गया, अब 9 पे है राइट टर्न लेगा तो 9 के आगे 12 और कितना गया 6 मीटर, और फिर राइट टर्न लिया और किधर गया, किधर गया तो 4 मीटर गया, तो अब उसका फेस किस दिशा में है, तो आप देख रहे हैं कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में, पहले साउथ में था, साउथ में आया और साउथ के बाद 3 बार राइट टर्न लिया। तो फिर से इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से बनाने में आधे से 1 मिनट का समय लग गया। इसी को अगर कोई स्टूडेंट ट्रिक से सॉल्व करता है तो पहले तो उसको देखना होगा कि ये टाई केस 1 का क्वेश्चन है कि नहीं, अगर है तो इस पे ट्रिक लगेगा। ट्रिक क्या बोलता है, 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट, तो आप देख रहे हैं मोहन पहले किधर है, साउथ में है, उसके बाद 1 राइट 2 राइट 3 राइट लेता है, और 3 राइट का मतलब क्या होता है, 1 लेफ्ट होता है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि साउथ में है, पहले किधर है, साउथ में, और उसके बाद उसको 3 राइट लेना है, तो आप 3 राइट ना टर्न करा के, 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट, 1 लेफ्ट टर्न करा देंगे तो वो किधर चला जाएगा, ईस्ट में ही तो चला जाएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट से 4 से 5 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, साउथ में है 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट, साउथ का मतलब 6 की ओर है और लेफ्ट टर्न लेगा तो 6 के पीछे क्या 3, 3 का मतलब ईस्ट। बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये ट्रिक ध्यान रखेंगे। एक और है नीचे, 3 लेफ्ट का मतलब क्या 1 राइट, 3 राइट का मतलब जिस प्रकार 1 लेफ्ट उसी प्रकार 3 लेफ्ट का मतलब क्या 1 राइट, 3 राइट बोलेगा तो 1 लेफ्ट टर्न ले लेना है, 3 लेफ्ट बोलेगा तो 1 राइट टर्न ले लेना है। सेम डायरेक्शन, जब भी सेम डायरेक्शन राइट राइट है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब डिफरेंट है, अपोजिट है, राइट लेफ्ट है, तो वो ऐड नहीं होगा, क्या होगा, सब्स्ट्रैक्ट होगा, उसे घटा देना है। जैसे यहीं पे आप देख रहे हैं राइट 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 3 बार क्या था, राइट था, तो आप क्या कर सकते थे, इस थ्योरी के अनुसार ये तीनों सेम डायरेक्शन है तो तीनों आपस में ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा
तो 3 राइट हो जाएगा। यहां पे अगर राइट के जगह पे हम लेफ्ट लेते तो ये दोनों सेम था, सेम डायरेक्शन। ये क्या बोलता है, सेम डायरेक्शन को ऐड करना है, तो ये दोनों ऐड हो जाता तो 2 राइट हो जाता। अब ये 2 राइट, ये दोनों मिलके कितना हो गया, 2 राइट हो गया। और ये क्या बचा, लेफ्ट। तो अब ये राइट, ये लेफ्ट, ये 2 राइट, ये 1 लेफ्ट। अब ये दोनों क्या है, अपोजिट है, और ये अपोजिट है तो ये राइट लेफ्ट घट जाता। ज्यादा कौन है, 2, तो ज्यादा में से कम, मैक्सिमम में से मिनिमम सब्सट्रैक्ट होगा, 2 में से 1 गया 1, और सिंबल भी किसका, ज्यादा वाले का, तो ये क्या बच जाता, 1 राइट। एकदम बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं। तो अब हम लोग केस 1 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे समझेंगे कि वो केस 1 का क्वेश्चन है या केस 2 का। केस 1 का मतलब बिना किसी के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालना, वहीं केस 2 में हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालते हैं। किसी के रिस्पेक्ट में, दैट मींस कोई पर्सन पॉइंट एम से किस डायरेक्शन में है, तो यहां पर्सन का डायरेक्शन बताना है बट पॉइंट एम के रिस्पेक्ट में। उसी प्रकार किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि मोहन अपने स्कूल से किस डायरेक्शन में है, तो यहां पे मोहन का डायरेक्शन बताना है बट कहां से, स्कूल से। तो इस तरह के सेंटेंस जब क्वेश्चन में आने लगे कि कोई पर्सन या पॉइंट घर से किस दिशा में है, स्कूल से किस दिशा में है, तो वो केस 2 का क्वेश्चन होगा। डेट मींस वहां पे किसी के रेस्पेक्ट में, घर के रेस्पेक्ट में, स्कूल के रेस्पेक्ट में, पॉइंट किसी पार्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग केस 2 में रखेंगे, और वहां पे जो अभी पहले हम लोगों ने ट्रिक सीखा उस ट्रिक को केस 2 पे नहीं लगाएंगे। और जब सिंपल पूछे अब वह किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो हम लोग उसे केस 1 में रखेंगे और इस पे ट्रिक लगाएंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को हम लोग पहले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, फिर उस पे जो हम लोगों ने ट्रिक पढ़ा उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि सीता एक बिंदु से, एक पॉइंट से चलना आरंभ करती है और उत्तर, उत्तर डेट मीन्स नॉर्थ की ओर 2 किलोमीटर जाती है, फर्दर दाएं डेट मीन्स राइट मुड़ती है, राइट टर्न लेती है और 2 किलोमीटर चलती है, और लास्ट में पुनः अपने दाएं यानी राइट टर्न लेती है और चलती है, तो अब उसका मुख किस दिशा में है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नहीं पूछा कि सीता घर से किस दिशा में है या सीता पॉइंट एम से किस दिशा में, सिंपल पूछ रहा है सीता का मुख किस दिशा में होगा। दैट मीन्स ये केस 1 का क्वेश्चन है और इस पे हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं, बट पहले हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाएंगे फिर ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो सीता किधर गई, सीता उत्तर की ओर 2 किलोमीटर गई, तो ये इनिशियल पॉइंट, यहां से सीता 2 किलोमीटर उत्तर में गई, उसके बाद उत्तर यानी नॉर्थ गई, उसके बाद राइट टर्न ली, राइट दैट मींस दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। अब यहां से राइट टर्न लेगी तो 12 से राइट, राइट का मतलब आगे, तो घड़ी के आगे 12 के आगे क्या आएगा, 3, यानी 3 की ओर टर्न लेगी और कितना मीटर चलेगी, 2 किलोमीटर। फर्दर अपने दाएं, पुनः अपने दाएं मुड़ती है, दाएं डेट मीन्स राइट टर्न लेती है और चलती है, तो अब राइट टर्न लेगी तो 3 के आगे, राइट का मतलब आगे, 4, 5, 6 की ओर जाएगी और कितना मीटर चलती, नहीं दिया, पूछ रहा है अब वह किस दिशा में है। तो आप देख रहे हैं अब वह किस दिशा में है, साउथ, आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। तो कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाए तो
आधे से एक मिनट का समय लग गया, इसी पे आप ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो ट्रिक में आपने क्या सीखा था, पहले सीता किस डायरेक्शन में थी, नॉर्थ में, और उसके बाद कितना टर्न ली है, तो एक बार दाएं यानी राइट टर्न ली है और फिर एक बार दाएं यानी राइट टर्न ली है, दैट मींस दो बार राइट टर्न ली है। तो ट्रिक में कुछ नहीं करना है, पहले देखना है कि चलना किस डायरेक्शन में स्टार्ट की है और उसके बाद कितना बार राइट लेफ्ट टर्न ली है। तो इस क्वेश्चन में पहले नॉर्थ में चली और उसके बाद दो बार राइट टर्न ली, टू राइट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो थी नॉर्थ में और टू राइट का मतलब अपोजिट, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या, डायरेक्ट साउथ आंसर। तो आप बिना पेन उठाए इस पे ट्रिक लगाकर बिना पेन उठाए आप आंसर बता सकते हैं साउथ, वो भी एक से दो सेकंड में। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एक आधे से एक मिनट का समय लग जाएगा। तो यदि आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का। और यदि आपको प्रत्येक चीज अच्छे से समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट्स उठा सके, और हमारे चैनल इंजीनियर वीके गुप्ता कैंपस को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है एक व्यक्ति पश्चिम यानी वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर चलना प्रारंभ करता है और दाएं मुड़ता है। तो पहले हम लोग पर्सन को वेस्ट की ओर चला देंगे, उसके बाद क्या बोला, दाएं, दाएं का मतलब राइट टर्न लेता है। तो पर्सन वेस्ट में है यानी नाइन की ओर है और राइट टर्न लेगा, तो राइट मतलब आगे, तो वेस्ट से राइट टर्न लेगा तो नौ से आगे यानी बारह यानी नॉर्थ की ओर जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट राइट, पुनः दाएं यानी राइट टर्न लेता है, इस बार राइट टर्न लेगा तो इधर आएगा। अब कितना चला ये तो दिया नहीं है, और अंत में यानी फाइनली लेफ्ट टर्न लेता है, तो इस बार लेफ्ट टर्न लेगा तो फिर किधर जाएगा, ऊपर यानी नॉर्थ की ओर। तो पूछता है अब वह किस दिशा में जा रहा होगा, आप देख रहे हैं अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो नॉर्थ में, दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ये तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से सीखा। अब इसी क्वेश्चन पे अगर ट्रिक लगाते हैं, तो अगर हम लोग ट्रिक से जाए, आप देख रहे हैं पहले किस में था, वेस्ट में, तो ट्रिक लगाने के लिए पहले जिस डायरेक्शन में चल रहा हो, स्टार्टिंग में जिस डायरेक्शन में चल रहा हो उसमें चला देना है, और इसके बाद देखना है कितना राइट और कितना लेफ्ट टर्न लिया। तो आप देख रहे हैं दो राइट, दाएं का मतलब राइट, बाएं का मतलब लेफ्ट, तो दो बार राइट टर्न लिया, एक बार लेफ्ट। और आप ट्रिक में सीखे थे कि एक राइट, वन राइट और वन लेफ्ट का मतलब क्या, सेम डायरेक्शन, तो ये वन राइट वन लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा। आप यहां लिख कर भी ऐसे कर सकते हैं कि पहले वेस्ट में था, वेस्ट में चलना आरंभ किया, उसके बाद राइट, फिर राइट और फिर क्या, लेफ्ट, तो ये एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल। हम लोग ने सीखा था कि वन राइट प्लस वन लेफ्ट का मतलब सेम डायरेक्शन, ये भी सीखा था कि डिफरेंट डायरेक्शन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये राइट लेफ्ट सब्सट्रैक्ट होके जीरो हो जाएगा, बचा क्या, राइट। और वेस्ट से राइट टर्न लेगा तो किधर चला जाएगा, नॉर्थ में, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो आप ट्रिक लगाएंगे तो दो सेकंड, चार सेकंड, पांच सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से, बट कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आधे से एक मिनट का समय लग जाएगा। तो आगे हम लोग इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे, बट वो नेक्स्ट क्लास में, आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।